वेलकम बैक फ्रॉम द्रेक नासिर। मैं बात कर रहा हूँ शहर की सूरत हाल के हवाले से और इस हवाले से कि मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हमें इस सीरियस सूरत हाल का इस तरह भी नोटिस लेना चाहिए कि जो ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों ने कोई खामी, जिन लोगों ने कोई कोताही की है, जिन लोगों ने अपने फ़राइज़ को सर अंजाम नहीं दिया और उनकी वजह से आज शहर इस हाल को पहुँचा, उनकी निशानदेही की जाए ताकि आइंदा आइंदा कोई इस किस्म की जो कोताही है वो ना कर सके। बात हो रही थी पब्लिक हेल्थ के हवाले से और यहाँ पर साई चोई साहब भी मौजूद हैं, खालिद साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो रुकन है मुस्लिम लीग नून के, पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं और इस वक्त जो डेंगू के हवाले से टास्क फोर्स है उसके भी मेंबर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अब वक्त आ गया जी के जिम्मेदारों तक पहुँचा जाए, फैसले किए जाएँ। बहुत देर हो गई, हम इस बात पे नहीं जाते कि कितनी डेथ हुई है। मैं फिर हुकूमत के साथ हम इस कंट्राडिक्शन में नहीं जाना चाहते। वज़ीर आला पंजाब कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ खालिद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग बड़ी सारे लोग जो है कमिटमेंट के साथ इसका मुकाबला, हम लोग जो निशानदेही कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ कहा जा रहा था कि जो स्प्रे था वो ठीक था बिल्कुल। देखिए दवाई की जो रिपोर्ट है वो तो अब तक ठीक है। अच्छा, ये देखिए शक व शुबात हमें खुद भी थे, एक पाकिस्तानी या शहरी होने की हैसियत से टेक्निकल चीज़ें हमें तो, लेकिन जो रिपोर्ट चूंकि वो अभी कंपाइल हो रही है, वह चंद दिन में इंशाल्लाह वो आ जाएगी। वह अफसर सुल्तान साहब पंजाब ने कोई आज से 10-15 दिन पहले कहा था कि 2 दिन के अंदर इसको इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए। आफ्ताब सुल्तान साहब हैं जी, वो कर रहे हैं, बड़े एक मैं सुनता हूँ जिम्मेदार ऑफिसर, अपराइट आदमी, लेकिन अपराइट आदमी है। और खाई साहब की इजाजत से मैं अर्ज करूंगा कि उसमें जो प्रॉब्लम आई है कि वो इंक्वायरी इसलिए डिले हो रही है कि उसमें कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो जो इंक्वायरी जो टीम है उसके साथ जो है वो तावन ही नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने अभी तक अपने जवाब जमा नहीं करवाए, देख रहा था 342 में हमारा जिसमें डीसी और लाहौर शामिल हैं उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। सवाल नामे गए हैं, सवालों के जवाब भी डीसी लाहौर है तो मेरा ख्याल है कि वो 15-16-17 घंटे काम कर रहे हैं, लोड इतना ज्यादा है, बैकवर्ड कई चीजें चल रही हैं, इंक्वायरी भी तो गवर्नमेंट सारे टाउन्स कंट्रोल कर रहे हैं। सब अच्छे आदमी हैं, यंग है, वो कभी उनकी जो फुटेज आती है ना मीटिंग्स के अंदर वो उनके पास, उसकी वजह सुने ब्लैकबेरी चीज बड़ी पॉइंट आउट करने लगा दिलचस्पी, वो या वज़ीर-ए-आला की मीटिंग के दौरान भी फोन सुन रहे होते हैं या वो बैठे ना ऐसे ऐसे वो मैसेज कर रहे थे जैसे टीनेजर नहीं होते वो जो है पैकेज का फायदा उठाते हैं। क्योंकि बात का होता है कि सुबह डेली आपको होता है 3 घंटे मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब की, ये मैं आप भी थी बता रहा हूँ आपको, जग भी थी नहीं बता रहा सही। होता है कि सीएम कहते हैं कि कल सुबह मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, अब वो मीटिंग है 2-3 घंटे की, वो जो डीसीओ साहब हो सेक्रेटरी हेल्थ हो कोई उसका काम होता है कि मुतलका बंदे को टक टक करके किया ताकि जो घंटा 1.5 घंटा मैंने अभी इस मीटिंग में बैठना है और पिछले दिन की डिस्कशन करनी है और अगले दिन का काम लेना है। अच्छा तो वज़ीर आला के एहकाम जो होते हैं सर, मैं होता कुछ गलत समझा था, मैंने कहा नौजवान है पता नहीं किस किस्म के मैसेज कर रहे हैं। देखिए कोई भी ऑफिसर हो, मैं देखें किसी का वकील सफाई नहीं हूँ वेरी फ्रेंकली, लेकिन कोई भी बंदा जो इस लेवल पे काम कर रहा होता है ना उसको एक जिम्मेदार बंदा होता है, उसकी बाकी एक अपनी जो लाइफ है पर्सनल लाइफ है वो क्या करता है क्या नहीं करता ये उसको पता होता है। अगर आप कहते हैं तो हम फुटेज निकाल के रख लेते हैं, कई दफा फुटेज आई तो वो मोबाइल पे ही मसरूफ होते हैं, मैंने कहा पता नहीं कोई गेम खेल रहे होते हैं या किसी को मैसेज कर रहे होते हैं। अच्छा हम दोबारा सीरियस डिबेट की तरफ आते हैं, बात हो रही है जी वो आफ्ताब सुल्तान साहब वाली स्प्रे वाली इंक्वायरी जो है, क्योंकि जवाब नहीं मिले डीसी साहब की तरफ से, जवाब भी शायद अभी नहीं आया जी। जाहिद भाई हमें माशाल्लाह एक बड़े सीजन पर, मैं मेरा इनसे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनसे मैं लर्न कर रहा हूँ आजकल के अरसे में ज्यादा इनको, इनकी बड़ी ग्रिप है अपने। बात यह है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो भी चल रही है, पहले तो है कि अल्लाह ताला इस आजमाइश में से हमें गुजार ले, मजीद खुदा ना खासा कोई मौत ना हो, लेकिन यह है कि हमें अब मुस्तकबिल की ना जो हमने गलती की है जो हमने बेहतरी की है और जिस तरह शबाशवी साहब दिन रात काम कर रहे हैं, अथॉरिटी बननी चाहिए, उन्होंने अथॉरिटी अनाउंस कर दी है, असेंबली में एक्ट आना चाहिए प्रॉपर, इसमें एनवायरमेंट वालों को एक्टिवेट होना चाहिए, बच्चों के निसाब में एक जो पूरी अवेयरनेस है ना पब्लिक में। और देखें 64 साल से ये डिंगी जो है ना ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है, हमने सफाई नहीं रखी एज ए होल। बात करें हम किसी पे इल्ज़ाम क्यों किसी पे लगाएं, हम मैं समझता हूँ कि हम ही कोई चीज़ अगर बोतल पीते हैं तो वो सड़क पर फेंक देते हैं, हम कुछ तो इन चीज़ों से हमें अब बाहर आना होगा। अब लोगों में मेरा ख्याल है थोड़ी अलार्मिंग अवेयरनेस है। अब जिस तरह मैं बताऊँ वासा और एसडीएम को ये टास्क दिया गया कि आपने 2 हफ्ते में 1600-1700 मलबे और जो कूड़े के ढेर हैं वो लाहौर से गायब कर रहे हैं। अच्छा जब वो एक बार गायब हो जाएं अब आगे पब्लिक का क्या फर्ज है, हमारा फर्ज है प्लाटों में दोबारा ना फेंकें, अब थोड़ा सा चीज़ों को साथ चलें, अपने आप को थोड़ा सा अब मैच्योरिटी की तरफ आएं, हमें मैच्योर लोग भी हैं और लोग ऐसे हैं जो मैच्योर नहीं है सही। तो सो जब ज्यादा जो लोगों की तादाद है वो मैच्योरिटी की तरफ आएगी, सफाई की तरफ आएगी, खड़े पानी को अवॉइड करेगी, घरों में जो पुराना पानी पड़ा कई दिन का उसको अवॉइड करेगी, तो जो लार्वी साइड है जो इसकी नर्सरी है जब वो किल हो जाएगी तो एडल्ट जो है वो तो स्प्रे से खत्म हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम लार्वी साइड में है,
हमें अपने आप लार्वा भी कहीं से, अंडा भी तो कोई मादा मच्छर देती है ना, मच्छर से ही आता है अंडा भी, कहीं वो लार्वा साइड से बाहर से नहीं आ पानी कहीं अगर हो एक दो तीन दिन का तो उसी में वो उसकी अफजाइश होती है ना। अच्छा, वो उसके लिए आइडियल माहौल होता है। बड़े बहुत सारे सवाल हैं, वो क्या था जी वो कंपनी को थी। अच्छा, पहले पहली बात तो ये कि इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो पा रही, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक है उसमें कंसर्न है। बाबा इतना फिलहाल कह सकता हूँ उनका कंसर्न है, वो इंशाल्लाह होगी। कब तक हो जाए, कितने दिन लग जाएंगे? अभी वो जवाब देंगे कोई आपके बड़े बड़े अफसर जवाब देना पड़ेगा, मुझे सेक्रेटरी हेल्थ हो, डीसी हो, वो क्यों नहीं जवाब देंगे जी? दे तो नहीं रहे अभी तक, देंगे तो जवाब अभी तक नहीं दे रहे, अभी देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ये था हमारी इस पे, बल्कि वो खाय साहब भी लकीली उस वक्त ब्रीफिंग में थे जब ये क्वेश्चन रेज हुआ है, क्योंकि ये डेली जो मीडिया ब्रीफिंग होती है उसमें ये क्वेश्चन हुआ था और उसके बाद जवाब भी आया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो स्टिल एक कॉन्ट्राडिक्शन बहरहाल वो है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से जो मार्च में स्प्रे दिया गया था एड ग्रो कंपनी से, हाँ, मैं यही वो सब स्टैंडर्ड था जी, वो सब स्टैंडर्ड था, तो उसके ऊपर जो है वो उसको सीज कर दिया गया उसका सारा स्टॉक और इंक्वायरी शुरू हो गई। तो अभी अभी जी, अच्छा अभी, बल्कि वो उसके ऊपर जो जवाब आया वो भी मैं उसमें एड ऑन कर दूंगा, बाकी खाई साहब उस पर बात करें। उसके बाद उसी एड ग्रो कंपनी को अब भारत से जो दवाई मंगवाई जा रही है स्प्रे के लिए, कि जी वो WHO रिकमेंडेड है और वो वहाँ से मंगवाई जाए पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि वो उसको इन्हांस किया गया है इस चीज़ को, कि जी बहुत अच्छी दवाई जो है ना वो हमारे पास होनी चाहिए, इंश्योर किया जाए। अब वो दवाई जो है वो मंगवाने के लिए 24 करोड़ का जो ठेका है वो भी उसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी कंपनी एडग्रो को दे दिया गया। हमारा ये इस पर जो है वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक कंपनी जिसके खिलाफ ऑलरेडी एक केस जो है वो पेंडिंग है, उसका फैसला नहीं हुआ उसके जी, और उसके उसने अगर आपको गैर मेयारी दवाई दी है तो इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा कि आइंदा इस तरह नहीं होगा? सेकेंडली कि अगर कोई इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेज हुई हैं तो उसका पहले जो है वो उसके जो भी जुम्मेदारान थे, क्योंकि वो दवाई कंपनी ने नहीं दे दी, जिन लोगों ने कंपनी से ली, जिन्होंने वो खरीदी, जिन्होंने उसकी पेमेंट की, जिन्होंने उसको फाइनल जो भी प्रिंसिपल जो है वो इसमें जो है ना वो एक्यूज बनता है, जिसने फाइनली पे किया उसको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ वो फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी हुई नहीं। और इस दौरान अब बीच में ये 24 करोड़ रुपए की नेक्स्ट डील आ गई उसी कंपनी के साथ, तो वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इतना सवाल किया था वज़ीर आला हो जो एक पैसे की करप्शन उस बर्दाश्त ना कर सकता हो, ये क्या हो क्या है? जाहिद भाई ने एक तो माशरे की देखें बेहिसी है, हम आपस में अगर बहस करते हैं ओवरऑल हुकूमत की बात आ गई जो होती है ना, वो एक कंपनी की दवाई एक दफा सीज कर रहे हैं दूसरी दफा उसी कंपनी को जी। हुकूमत जो होती है ना वो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है महकमों का, जिसमें लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत बेहतर लोग भी होते हैं और बड़े अदब से बाद लोग बहुत बेहतर नहीं होते। ये इन्होंने बड़ा ना वैलिड सवाल किया था, कैप्टन आरिफ नदीम उस वक्त कर रहे थे इसकी जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, तो उन्होंने और हमने कहा जी हमारे पास कुकिया में पता नहीं है। नेक्स्ट डेट वो बड़े कंसर्न थे, उन्होंने जब ये बात पूरी की, जो उन्होंने जवाब दिया था हो सकता है उसमें कोई थोड़ा बहुत मैं एग्जैक्ट याद ना हो, तो उन्होंने कहा था कि एक तो दवाई जो खराब थी उसको चेंज किया गया था एक, लेकिन मेरा ये नुकता एतराज है क्योंकि सजा फिक्स होनी चाहिए। सेकंड, जो अब दवाई इंडिया से मंगाई गई है उसके वो गालबन इंडेंटर है। सेकंड ये है कि जो दवाई इंडिया से आई है उसका फ्रेट चूंकि कम पड़ और सस्ती पड़ी है, इसलिए उसको प्रायोरिटी दी गई थी, और सीएम ने कहा था कि अब फ्रांस या किसी और जगह से टाइम ज्यादा लगेगा और क्योंकि बहुत ज्यादा लोड है। लेकिन अगली बात यह है कि उसकी जो तहकीकात है ना वो स्लो है, जो भी यही दिलानी है कि अगर स्प्रे के हवाले से, स्प्रे से बहुत लोगों को शिकायत है ना, और स्प्रे के हवाले से ही जितनी तहकीकात है सबकी सब स्लो है, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, वक्त आ गया है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। इसी बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा इस ब्रेक के बाद।